पोहरी में नायब तहसीलदार उनकी टीम पर हमला करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पटवारी संघ ने ज्ञापन सौंप कर दी हड़ताल की चेतावनी। शिवपुरी जिले में राजस्व टीम पर कार्रवाई के दौरान हो रहे हमले के विरोध में आज गुरुवार पटवारी संघ ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। पटवारी संघ की मांग है कि कार्यवाही के दौरान पुलिस की बड़ी कड़ी सुरक्षा की जाए, साथ ही हमलावरों के जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया जाना चाहिए। पटवारी संघ का कहना है कि कार्यवाही के दौरान पुलिस का साथ नहीं मिलता, इसके बाद पुलिस द्वारा उचित धाराओं में कार्यवाही नहीं की जाती, जिससे अतिक्रमणकारियों के ले बुलंद हो रहे हैं। इससे राजस्व टीम पर हमलों की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष गोपाल प्रधान ने बताया कि पोहरी अनुभाग के पिपरघार गांव में 17 जुलाई बुधवार शाम अवैध उत्खनन रोकने पहुंची राजस्व टीम पर हमला बोल दिया गया। राजस्व टीम में मौजूद नायब तहसीलदार सहित 3 पटवारियों को बंधक बनाकर मारपीट की गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी देरी से पहुंची। इसकी शिकायत पोहरी थाने में की गई थी, लेकिन पुलिस ने भी उचित धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया, जिससे हमलावर आसानी से जमानत ले लेंगे। इसके अतिरिक्त बीते माह जसराजपुर में भी 250 के प्रकरण में कब्जा हटवाने गई राजस्व टीम को बंधक बनाकर पीटा गया था। इस दौरान गोली भी चल गई थी। वहीं राजस्व टीम पर हमले की घटनाएं आम होती जा रही हैं। ऐसे में अगर प्रशासन सख्त कदम नहीं उठाता है तो राजस्व कर्मचारियों का काम करना मुश्किल हो जाएगा। क्या नाम है आपका और यहां मेरा नाम गोपाल प्रधान है, पटवारी संघ जिला सीपी का मैं अध्यक्ष हूं। अच्छा, तो ये यहां पर सभी पटवारी इकट्ठे हुए कलेक्ट्रेट के पास, क्या कारण है, क्यों है? हमारे पौरी तहसील में पिपरघार ग्राम पड़ता है, तो आने उत्खनन चल रहा था शासकीय जमीन पर, तो हमारे अधिकारी लोग रोकने के लिए गए। उसमें हमारे नाब साहब और आरआई साहब और 3 पटवारी थे, तो वहाँ जनता ने उनको बंधक बना लिया और पुलिस ने भी उनके खिलाफ में कोई खास कार्रवाई नहीं की है। तो हमारी मांग यही है कि कलेक्टर साहब से हमारा कहना यह है कि उन पर नॉन अवेलेबल धारा लगाई जाए, और इससे जो है जो धारा नहीं लग पाएंगी जब तक हम इस पर हड़ताल पे बैठ जाएंगे। अरे अध्यक्ष साहब, ये जो सुनने में आया कि कल पुलिस को भी सूचना दी गई पर पुलिस लेट हो गई थी, तो उसमें कहीं संदेह की स्थिति लग रही है कि कहीं षड्यंत्र हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल संदेह की स्थिति लग रही है हम लोगों। अरे जैसे जसराजपुर में भी एक हमला आप पर हुआ था, उस वक्त भी पुलिस ने कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई, उस वक्त भी आपकी तरफ से विरोध हुआ था, आज भी ये स्थिति है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं राजस्व का साथ नहीं देती है पुलिस? नहीं देती है, नहीं देती पुलिस कहीं भी, नहीं देती, इसी वजह से स्थितियाँ निर्मित हो रही।